नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हम बात करेंगे बाबा साहब के संघर्षों की। बाबा साहब के नाम एक छोटी सी श्रद्धांजलि। जब जब समाज के सभी लोग बाबा साहब के कामों को या उनकी बातों को दोहराते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब पुनर्जीवित हो गए हैं, परंतु जब उनके कार्य या सामाजिक कार्यों में बाधा डालते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं तो हम खुद ही अपने हाथों से बाबा साहब की हत्या कर रहे होते हैं। दलित समाज बाबा साहब का हमेशा ऋणी रहेगा। बाबा साहब ने उन्हें जीने की राह दिखाई है तथा बाबा साहब ने उन्हें जीने का नए नए संकल्प भी दिए हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब के किए गए कठिन निश्चय व कठिन परिश्रमों के कारण ही आज हम इस समाज में सर उठा के जी रहे हैं। दलित वर्ग के हर व्यक्ति या हर इंसान को ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने उनके लिए जो किया है उसका ऋण वे कभी नहीं चुका सकते हैं, ना ही उनके संकल्प को आंक सकते हैं। बाबा साहब ने उनके लिए किए गए कार्यों का वह आज भी ऋणी है। असलियत तो यह है कि बाबा साहब के किए गए कार्यों का ऋण वह अपनी जान को निछावर करके भी नहीं चुका सकते हैं। ये श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।